स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और हमारा आज का जो लेसन है क्लासिफिकेशन, यानी जिसमें जंतुओं का वर्गीकरण, जंतु तथा पौधों का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण करने का जो अनुक्रम है हम उस अनुक्रम के बारे में जानेंगे। तो अनेक वैज्ञानिकों ने जंतुओं को के अध्ययन को सरल बनाने के लिए उसे अनेक अलग अलग वर्गों में बांटा है, और वो जो उन वर्गों को जो एक अनुक्रम लिया है, उस अनुक्रम के को अगर हम सही से समझ जाते हैं तो हम जंतुओं के किसी जंतु का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण आसानी से कर सकते हैं। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जंतुओं के वर्गीकरण का जो सबसे छोटी इकाई है वो स्पीसीज यानी जाति कहलाती है। ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज आर सिमिलर टू ईच अदर, यानी एक ही जाति के जीव जंतु होते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं। वेरियस स्पीसीज शोइंग सिमिलरिटीज आर प्लेस्ड इन ए जीनस, और जो एक जैसी जातियों के जो जीव होते हैं उन सभी को एक वंश में रखा जाता है। मैनी जेनरा शोइंग सम सिमिलरिटीज आर कैप्ट इन ए फैमिली, और जो एक वंश के जो अनेक वंशों के जीव हैं जिनके लक्षणों में समानता होती है उनको एक ऑर्डर में या एक फैमिली में रखा गया है। सिमिलर फैमिलीज यानी जिनके ऐसे लक्षण जो एक फैमिली में जो अनेक फैमिलियों के एक जैसे होते हैं, ऐसे सिमिलर फैमिलीज को एक ऑर्डर में रखा गया जाता है। और सिमिलर ऑर्डर्स आर कैप्ट इन ए क्लास, और जो सिमिलर ऑर्डर्स होते हैं जिनके गुणों में समानता होती है उन सभी को एक क्लास में रखा जाता है। हायर कैटेगरी ऑफ द क्लास इज फाइलम, यानी इन जो ऑर्डर्स की जो हायर कैटेगरी है उसको हम क्लास कहते हैं। मैनी सिमिलर फाइलम्स टुगेदर फॉर्म ए किंगडम, और जितने भी फैमिलीज हैं या जितने भी फाइलम हैं जो कि अपने कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज प्रेजेंट करते हैं उन सभी को हम एक किंगडम में रखते हैं। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो जंतुओं को हमने जंतु को वर्गीकरण के लिए जो लेबल्स बनाए हैं उन लेबल्स का जो क्रम है उनको मैं अभी आपके सामने शो करता हूँ। तो उस लेवल के अनुसार जो सबसे हाईएस्ट लेवल है उसे कहते हैं किंगडम। किंगडम कहते हैं जगत को, ये सबसे बड़ा जो जंतुओं का जगत है इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु इसी में आते हैं। उससे जो लोअर जो लेवल है उसे कहते हैं फाइलम। फाइलम से जो लोअर लेवल है उसे कहते हैं क्लास। क्लास से जो लोअर लेवल है उसे कहते हैं ऑर्डर यानी गण। ऑर्डर से जो लोअर लेवल है उसे कहते हैं फैमिली। फैमिली से जो लोअर लेवल है उसे कहते हैं जीनस, जीनस यानी वंश। और सबसे लोएस्ट जो लेयर है लेवल है उसे कहते हैं स्पीसीज यानी जाति। इस प्रकार से एक जब किसी एक जंतु का वर्गीकरण करते हैं तो उसके वंश जंतु जगत से लेकर उसको इतने लेवल्स में बांटा गया है, ये उसका डिक्रीजिंग लेवल है। अब इन सभी लेवल्स का हम बारी बारी से उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोअर लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज स्पीसीज, जाति क्या है? स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक और सबसे लोएस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हम जाति कहते हैं। ऑर्गेनिज ऑफ ए स्पीसीज एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, यानी एक जाति के जो जीव होते हैं उन सभी जंतुओं में के गुणों में काफ़ी अधिक समानता मिलती है। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ऑल मैन, जितने भी मानव जाति इस धरती पर है उन सभी को एक स्पीसीज में रखा गया है और उसका नाम है सेपियंस। सेपियंस जाति में रखा गया है
जितनी भी जंतु जाति जितनी मनुष्य जातियाँ इस धरती पर उपस्थित है उन सभी की क्या जाति है, सेपियंस एक ही जाति है। दूसरा जो स्पीसीज से जो हाईएस्ट जो अपर लेवल है उसे कहते हैं जीनस यानी वंश। और इस वंश क्या है, व्हाट इज जीनस, ए नंबर ऑफ स्पीसीज शोइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर केप्ट इन ए हायर कैटेगरी कॉल्ड जीनस, यानी ऐसी जातियाँ ऐसी जंतु जातियाँ जिनके गुणों में काफ़ी समानता मिलती है उन सभी को एक वंश में रखा जाता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया मानव जाति की जितनी भी जातियाँ हैं उन सभी को हम एक जीनस में रखते हैं और वो जीनस है होमो, सभी एक जीनस में आती है। उससे जो हाईएस्ट जो और अपर लेवल है तीसरा वो है फैमिली, रिलेटिव जनरा रिलेटिव जीनस, यानी ऐसे वंश के जीव जो कि गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, स्वयं सिमिलरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स आर केप्ट इन ए फैमिली। इसको ये हम उदाहरण द्वारा समझेंगे, जैसे कि कैट, कैट है, टाइगर है और लॉयन है, तीनों ही अलग अलग स्पीसीज के जंतु हैं और अलग अलग वंश में आते हैं, लेकिन इनके करेक्टर्स में काफ़ी सिमिलरिटीज पाई जाती है इसलिए इन सभी को एक ही फैमिली में रखा गया है और उसका नाम है फेलिडी संघ में इसको सबको इन तीनों को रखा गया है, जबकि तीनों के करेक्टर्स में तीनों के अलग अलग वंश हैं तीनों के, लेकिन इनका सबका फैमिली एक ही है क्योंकि इनके गुणों में काफ़ी समानता है। इसके बाद जो अपर लेवल आता है वह चौथा लेवल हमारा और उसे कहते हैं हम ऑर्डर यानी गण, ए नंबर ऑफ फैमिलीज शोइंग सिमिलरिटीज, यानी ऐसे जंतु जातियाँ जिनके फैमिलीज जो अनेक फैमिली के होते हैं लेकिन उनके गुणों में काफ़ी समानता होती है उनको एक ऑर्डर एक ही गण में रखा गया है। इनका एग्जाम्पल है जैसे कैट की जो फैमिली है वो फेलिडी है और डॉग की जो फैमिली है वो कैनिडी है, लेकिन इनके गुणों में काफ़ी समानता है इसलिए इनको एक ही ऑर्डर रखा गया है, वो है कार्निबोरा यानी मांसाहारी जीव। तो कैट और डॉग्स को एक ही ऑर्डर रखा गया है लेकिन ये अलग अलग जातियों के हैं, कैट और डॉग अलग अलग जाति अलग अलग फैमिली के हैं लेकिन इनको इनका जो ऑर्डर है वो एक ही है और वो कार्निबोरा के अंतर्गत इनको रखा गया है। अब आता है इससे जो अपर लेवल है वह क्लास, व्हाट इज क्लास, क्लास इज ए हायर कैटेगरी देन ऑर्डर, यानी ऑर्डर से हाईएस्ट कैटेगरी है। ए नंबर ऑफ रिलेटिव ऑर्डर्स इन हैबिटेट्स, यानी जो इनके वास स्थान होते हैं उनके वास स्थानों में काफ़ी समानता होने के कारण इन सभी ऑर्डर्स के जीवों को एक ही क्लास के अंतर्गत रखा जाता है। ऑर्डर बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हैं जैसे कि रोडेंसिया, कार्निबोरा और प्राइमेट्स, ये सभी इनको एक ही क्लास के अंतर्गत रखा गया है। जैसे और इनकी जो क्लास है वह मेमलिया यानी स्तनधारी वर्ग में स्तनधारी क्लास में इनको रखा गया है। बेसिकली अलग अलग ऑर्डर के हैं अलग अलग गण के हैं लेकिन इनको गुणों में काफ़ी समानता होने के कारण इनको एक ही क्लास में रखा गया है। इसके बाद जो इसका अपर लेवल आता है छठा हुआ है फाइलम, ए नंबर ऑफ रिलेटिव मैनी क्लासेस फॉर्म ए हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम, यानी ऐसे जंतुओं ऐसे जीव जातियाँ या ऐसी क्लास जिनके गुणों में काफ़ी समानता मिलती है उन सभी क्लासेस को एक फाइलम में रखा गया है और ये सभी फाइलम जिनके गुणों में काफ़ी समानता होती है इनको कोऑर्डेटा वर्ग में यानी कोऑर्डेटा फाइलम में रखा गया है। कोऑर्डेटा यानी जिनके गुणों में काफ़ी समानता होती है सभी वर्गों से जीव जो कि एक क्लास के अंतर्गत अनेक क्लासों के होते हैं वो सभी को एक फाइलम में हम रखते हैं। और सबसे बड़ा जो लेवल है जो हाईएस्ट लेवल है जंतु जगत का वह किंगडम होता है एनिमलिया यानी सारे जंतु एक ही जगत में आते हैं जंतु जगत में और उस जंतु को कहते हैं हम एनिमलिया
एनिमल किंगडम माने जो चंद्र जगत का सबसे बड़ा हमारा वो है जगत है। ए किंगडम इज ए इज द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्ण का जो अनुक्रम है उस क्रम में जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है उसे किंगडम यानी एनिमलिया कहा गया है। ए किंगडम मे हैव सेवरल फाइलम, और एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम होते हैं, उन सभी फाइलम का अध्ययन हम चंद्रयुगल में आगे करेंगे। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पर हम टाइगर का वर्गीकरण करेंगे। तो टाइगर का जो किंगडम है वो एनिमलिया है, और सभी एनिमल्स को हम कोऑर्डिनेटा फाइलम में रखते हैं। सभी कोऑर्डिनेट्स यानी जो टाइगर की टाइगर को कोऑर्डिनेट्स के अंदर का जो क्लास दी गई है वो क्लास है मैमलिया। टाइगर को जिस ऑर्डर में रखा गया है उस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा, कार्निवोरा यानी मांसाहारी। फैमिली है इसकी फेलिडी, जीनस है टाइगर पैंथेरा और स्पीसीज है टाइग्रिस। किसी भी जंतु का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो जीनस को कैपिटल लेटर में और स्पीसीज के नाम को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं और इनके नाम के नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा कल का टॉपिक होगा किंगडम्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो जीवित जंतु हैं उनको कितने किंगडम्स में बांटा गया है और किन किन वैज्ञानिकों ने इन किंगडम्स को परिभाषित किया है। तो आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।